यदि उसको नरक स्वर्ग न मिल करके जन्म मिलना है, उसमें भी जानवरों का जन्म अगर मिला तुरंत मिल जाता है, लेकिन यदि मनुष्य का जन्म उसको तुरंत मिलना है तो उस समय तुरंत मनुष्य का जन्म न मिल करके उसको वेट कराया जाता, इंतजार करो जन्म की, क्योंकि अभी तुम्हारे जन्म का संयोग नहीं बना। तुम्हारे कर्मों के अनुसार किसको तुम्हारा माता पिता बनना है, जहां तुम्हारे कर्मों का ठीक ठीक सुख दुख का विधान बन जाए धरती पर, जब तक न बने तब तक तुम वेट करो, और जब तुम्हारे पुण्य पाप के अनुसार पृथ्वी पर भोग के लिए तुम्हारे अनुकूल जब समय होगा तब तुम्हारा जन्म होगा, तब तक तुम वेटिंग रूम में जाओ। उसी वेटिंग रूम को हम कहते हैं पितृलोक। और जब कोई वेटिंग रूम में जाते हैं, ना उसको नरक वाला शरीर मिला यातना दे, ना उसको स्वर्ग वाला शरीर मिला भोग दे, ना वो भगवत धाम में गया भक्ति नहीं की, तो ऐसी स्थिति में उसका वही शरीर रहता है, उसका नाम है प्रेत शरीर, पितरों का शरीर। पितर शरीर से उसको प्रेत पितर बना दिया जाता है। वहां के राजा अर्यमा होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की एक विभूति है, वो अर्यमा वहां के शासक हैं। तो वहां पर वो पितर रहते हैं। कब तक रहते हैं? जब तक उनका जन्म का संयोग न बन जाए।